आजादों हम एक है, जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह, नेशनल इंशाल्लाह, नेशनल हारी इंशाल्लाह। प्रत कुन जाय, प्रत कुन गांव में, प्रत कुन हर मुझे लूट खुसूर कर और बर्बाद कर। क्या नियत हमारी, नियत यही है, सुन नियत जो खुदा हजर नजर यहाँ ग्रेजुएट है इम्स के घर घर वात ना हुई तब ये पुछान तत्मान अगर खड़ा गोस इसकी नहज हम बदलाएंगे। शेर दानदार जान हार सकूम पे बामज तुलूक पकन सर जवान करूक अवेयर जवान वो इसल ग अब ये इसल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जवान जाग गया है, एम पी पार्लियामेंट इलेक्शन दुत हायत कि जवान जब जाग जाता है तो बड़ी बड़ी ताकतों को ये मात देता है। खामोश इनकलाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि आपने इससे पहले भी देखा जो हमारी मीटिंग हो रही है, मोहल्ला वाइज हम कर रहे हैं मीटिंग, 50, 60, 70 या 100-200 लोगों को जोड़ रहे हैं। एक खासकर हम जवानों में एक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जो जवान है वो अब बेदार हो गया, पुरानी सियासत जो है वो दफन हो चुकी है, अब ये सियासत का एक नया दौर शुरू हो चुका है जिसमें जवान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अब हिस्सा लेने वाला है और इनका फ्यूचर जो है उसको सिक्योर एंड सेफ करने वाला है। यही आवाज लेकर हम हर जगह जा रहे हैं, चाहे बांडीपुरा हो चाहे नाहिद खै हो, इसमें हम ये आवाज दे रहे हैं और जवानों को अवेयर कर रहे हैं कि जो इस्तेसाल यहाँ पर ये बड़ी पार्टियों ने किया है वो अब सिलसिला अब उसका दरवाजा बंद हो चुका है, अब जवान जो है वो जाग गए और इंशाल्लाह रहमान जवान ही इनकलाब लाए। कह रहा हूँ कि हमारा जो एरिया है नॉर्थ कश्मीर पूरा 80% जो है फ्रूट से रिलेटेड है। आप देख लीजिए कि हिमाचल में हर एक ग्रोवर को क्रॉप इंश्योरेंस मिल रहा है, यहाँ पर भी बगीचे हैं। आप जब 2014 में यहाँ पे सैलाब आया उसके बाद कोई कंपनसेशन भी नहीं मिली और क्रॉप इंश्योरेंस अगर हिमाचल में दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ क्यों नहीं। हम कहते हैं कि हम आवाज उठाएंगे कि अगर हम पूरे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, एक ही मुल्क में रह रहे हैं तो दोहरा सुलूक हमारे साथ क्यों, कश्मीर के साथ दोहरा सुलूक क्यों। अगर हिमाचल में क्रॉप इंश्योरेंस मिल रहा है तो यहाँ भी मिलना चाहिए ऑब्वियसली, ताकि हमारा जो ग्रोवर है ये जो मजलूम किसान है ये अपने आप को सिक्योर और सेफ समझे। तो ये आवाज हम हर पेज पे उठा रहे हैं और इंशाल्लाह रहमान हर पेज पे उठा दे रहे हैं। जिनर्स पार्टी जो वो अपनी जगह है वो अब वो पुरानी सियासत फिर भी बोल रहे हैं लेकिन लोगों को अब वो पसंद नहीं है, लोग अब जाग गए हैं। आपने पिछले इलेक्शन में देखा कि इंजीनियर साहब का जब ये पार्लियामेंट इलेक्शन था तो लोगों ने ये साबित करके दिया कि जो लोगों में रुझान बढ़ चुका है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जानिब, अब जवान खासकर होशियार हो गए। हम जवानों को ज्यादा से ज्यादा इसमें जोड़ना चाहते हैं ताकि वो सही और गलत का यहाँ पर फैसला करे और जो सियासी दानों ने यहाँ पर सियासी इस्तेसाल किया है इस मजलूम कौम के साथ उसका इंशाल्लाह और रहमान वो अच्छी तरह से बखूबी वो बदला लेंगे। क्योंकि जो हुकूमतें यहाँ पे आई चाहे कोई भी हुकूमत हो, जनरली हम देखेंगे तो इस्तेसाल तो यहाँ पर पूरी गुरबत के साथ हुआ, पूरी गरीबों के साथ हुआ, सियासी इस्तेसाल तो हर जगह हुआ है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ। तभी तो अब जवान जाग गया है ना, अब जवान चाह रहा है कि वो इस पॉलिटिक्स में हिस्सा ले और अपने फैसले खुद करे और सही फैसले करे। बस यही हमारा भी मकसद है कि जवानों को आगे करे, जवानों को एक पेज पे हम खड़ा करें और जवान खुद इनकलाब लाए। क्योंकि ये अलामा इकबाल ने कहा कि उकाबे रूह जब जाग जाती है जवानों में नजर आती है मंजिल उनको आसमानों में।